यमुनानगर के जगाधरी स्थित रामलला भवन में जाट संघ सेवा और अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति द्वारा 36 बिरादरी भाईचारा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में जाति एवं वर्गों के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जाट महिला खाप पंचायत के महिला अध्यक्ष और जाट आरक्षण समिति के महासचिव अशोक बुलारा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दोनों नेता ने अपने अपने संबोधन में बीजेपी की मौजूदा सरकार की मंशा पर सवाल उठाए कि ये सरकार जनता विरोधी सरकार है, ये सरकार लोगों को आपस में बांटकर समाज का भाईचारा खत्म कर रही है। इस सरकार ने आरक्षण के समय जाट के साथ हुई हिंसा में लिए 4 बार समझौता किया कि उनको जान माल व संपत्ति का जो नुकसान हुआ है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार अपने आप को किसानों का हिमायती बताती है, किसानों के लिए सिवाय उनको झूठे वादों के और कुछ नहीं किया, लेकिन अब किसानों व जाट समाज के लोगों ने 36 बिरादरी के साथ मिलकर सरकार से सीधे सवाल पूछने का मन बना लिया है कि बीजेपी के किसी भी गांव में कार्यक्रम में जाकर वो लोग मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों से पूछेंगे कि लोगों के लिए कौन से विकास के काम किए वो बताएं। जनता जानना चाहती है। वैसे कांग्रेस पार्टी की वो भी स्वामीनाथन चिल्लाती की रिपोर्ट को दबाए रखी, ये लोग आज 200 रुपए धान के बढ़ाए, 800 रुपए बाजरा बढ़ाया, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाजरा होना वह दोनों जगह चुनाव है, सारी चुनावी क्वायद है। और MSP के जो रेट गए हैं उनके हरियाणा हर सरकार अपनी MSP के लिए कुछ जो लागत होती है खर्चा तो भेजती है सरकार की, तो कोई भी बात उसमें भी या झूठा या ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री है, ये बनियान में लगता साइकिल पर कमी निकाल करके ये कहता था हमारी सरकार आते स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, आज तक तो वो रिपोर्ट कहीं दूसरे ढोल चीज है, कोई हम फर्क नहीं पड़ रहा है, किसान तराई तराई चारों तरफ से तराई मची हुई है और 200 रुपये में क्या होने वाला है। किसान की अपनी मजदूरी होती है उसकी कोई गणना नहीं है, फर्टिलाइजर है, सीड है और पेस्टिसाइड है, कहीं किसी का कोई वो नहीं। आज यमुनानगर के अंदर मैं इनको ज़्यादा इस बात का वो नहीं है, यहाँ का भाई आगे बता सकते, एक एवरेज है 30,000 और 40,000 रुपये ठेके पर जो जमीन मिलती है और इन 11,000 रुपया क्या होती कैसे किसान को। और दूसरी बात MSP का जो बात है, पीछे कपास का MSP था, ग्वार का MSP था, एक भी चीज मंडी के अंदर MSP पर देखी नहीं मिली, जब सरकार खरीद नहीं होगी तो MSP बनाना बेईमानी है।